नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन एक ऊँट के इलाज की। कैमल का ट्रीटमेंट अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो आगे वाला पैर है, दायां पैर, उसमें एक बहुत ही बड़ा घाव बना हुआ है और बहुत ही पुराना ये घाव हो चुका है। इस पुराने घाव में बहुत सारे मैगट्स भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से कैमल, ये ऊँट, बहुत ज़्यादा परेशान है और ये चलने में भी इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इस कैमल का ट्रीटमेंट अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं अपने चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन ने इसको प्रॉपरली रिस्ट्रेन किया है। एक पैर को इस तरीके से बांधते हैं कैमल का। अब देखिए, जिस पैर को बांधा गया उसी में यहाँ पे घाव बना हुआ है। बहुत ही पुराना ये घाव हो चुका है और बहुत ज़्यादा मैगट्स इसमें हो चुके हैं, बहुत गहराई तक ये घाव पहुँच गया है। सबसे पहले अपन इसकी ड्रेसिंग करेंगे और ड्रेसिंग के लिए अपने को टर्पेंटाइन ऑयल चाहिए ताकि मैगट्स को रिमूव कर सके, और पोविडीन आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए ताकि इसकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग अच्छे से की जा सके। तो इसकी ड्रेसिंग के लिए अपन ने ये दोनों चीज़ें काम में ली है और प्रॉपरली अपन ने इसके मैगेट्स को रिमूव किया है। एक एक मैगेट्स को यहाँ पे रिमूव किया है, प्रॉपरली रिमूव करके बीटाडीन से अपन ने इसकी ड्रेसिंग की है। उसके साथ ही अपन ने यहाँ पे ऑइंटमेंट का भी उपयोग किया है। तो बहुत सारे मैगेट्स अपन ने यहाँ पे रिमूव किए हैं। अब बात करते हैं इसके इंजेक्शन जो अपन ने लगाए हैं इंट्रामस्कुलर। तो देखिए, पहला इंजेक्शन अपने यहाँ पे एंटीबायोटिक का लगा रहे हैं ताकि ये जो पुराना घाव है वो जल्दी से भर सके, जल्दी से इसका ये घाव सूख सके और इसको इस दर्द से राहत मिल जाए। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अपन ने एंटीबायोटिक का लगा दिया है। उसके अलावा अपन इसको दर्द से राहत के लिए एक एंटी इन्फ्लामेटरी का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर और लगा देंगे ताकि इसको जो दर्द है, इन्फ्लामेशन है, उससे राहत मिल जाए। तो दूसरा इंजेक्शन अपन ने मेलोक्सिकैम का इंट्रामस्कुलर यहाँ पे उपयोग में लिया है। दूसरा इंजेक्शन एंटी इन्फ्लामेटरी मेलोक्सिकैम का अपन ने यहाँ पे इसके इंट्रामस्कुलर लगा दिया है। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अपन ने एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का लगा दिया है। इसका मुंह भी अपन ने यहाँ पे बांध के रखा है ताकि ये कंट्रोल में रहे। अब देखिए, इसके डर्मेटाइटिस भी हो रखा है, टिक्स का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके सबक्यूटेनियसली आइवरमेक्टिन का एक इंजेक्शन भी अपन यहाँ पे लगा देंगे। तो स्किन का एक फोल्ड बनाएंगे और सब कट आइवरमेक्टिन का ये इंजेक्शन अपन यहाँ पे इसके लगा देंगे ताकि डर्मेटाइटिस से इसको रिलीफ मिल जाए और इसके जो मैगेट्स हैं वो भी वापस डेवलप ना हो, बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो इसका जो घाव है निश्चित रूप से जल्दी भर जाएगा और ये इसको दर्द से राहत मिल जाएगी।